नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग आपके बालों के लिए उपलब्ध हूं, आपको घर बैठे जानकारी देने के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और जिससे आप अपने बालों को हेल्दी बना सके। आपने मेरे अन्य वीडियोस आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आप देख सकते हैं। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, वेजिटेबल्स, 5 vegetables विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर हेल्थ एंड फॉर योर हेल्थ एज वेल। सबसे इम्पॉर्टेंट हमार को हेयर की हेल्थ के लिए क्या चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, वाइटामिन्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। ये 5 vegetables से आपको कैसे कैसे मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए जो वेजिटेबल कलर्ड होती है, मोटा प्रिंसिपल बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए, कलर्ड वेजिटेबल्स जैसे गाजर, कैरेट्स हो गए, बीट शलजम, बीट रूट्स हो गई, फिर आपका कद्दू, पम्पकिन हो गया। तो ये 3 चीजें मैंने बताई, इनके अंदर विटामिन ए बहुतायत मात्रा में मिलता है, इसके अलावा अन्य चीजें उनके अंदर मिलती है। फिर हमें चाहिए होता विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी एजिंग है और हेयर के लिए अत्यधिक उपयोगी है। वो किस में मिलेगा, साइट्रस फ्रूट या वेजिटेबल में, जैसे नींबू है, नींबू के अंदर आपको विटामिन सी बहुतायत मात्रा में मिलता है। फिर आपको चाहिए आयरन, आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स है, जो मैं आप बहुत सिंपली और बहुत ज्यादा बताता हूं, वो है ड्रमस्टिक, सूरजना की फली। सूरजना की फली में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा शलजम, बीटरूट एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको आयरन अत्यधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में मिलता है। अब उसके बाद में आपको प्रोटीन चाहिए होता है बाल को मेनली बनाने के लिए, तो प्रोटीन का वेजिटेबल में जो रिचेस्ट सोर्स है वो है अगेन सूरजना की फली, जिसके आजकल मोरिंगा के नाम से, मोरिंगा के लड्डू आ रहे हैं उसके नाम से, उसकी स्वीट्स बनाई जा रही है और आदिवासी बेल्ट में गवर्नमेंट उसको बहुत प्रमोट कर रही है क्योंकि सबसे सस्ता है ये। तो मोरिंगा या ड्रम स्टिक या सूरजना की फली किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, उसका सूप के रूप में ले सकते हैं, आप उसकी मिठाई बना सकते हैं, उसके लड्डू बना सकते हैं, उसका पाउडर ले सकते हैं। तो ये फिर आते हैं आपके पास मिनरल्स, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन का जो दूसरा सोर्स है, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैज गॉट विटामिंस, B12 विटामिंस, दे गॉट मिनरल्स, दे आर रिच एंड आयरन, जैसे पालक, मेथी, ये सबसे 2 कॉमन हरी सब्जी है जिनका आप रेगुलर उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप दाल पालक बनाते हैं, मतलब पल्सेस हो गई, प्रोटीन हो गया उनके अंदर, और पालक या मेथी डाल दिया आपने, ये आपने पराठे बनाए पालक के, मेथी के, तो बच्चों को भी पसंद आएंगे क्योंकि पालक की सब्जी बच्चे नहीं खाएंगे, मेथी की सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन मेथी या पालक का पराठा खाएंगे। तो आप इस तरीके से उनको, बच्चों को लेने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो मेथी पालक हो गया, बीटरूट शलजम हो गई आपकी, कद्दू पम्पकिन हो गया, फिर उसके बाद में आपका गाजर हो गया, जो आप सलाद के रूप में, डिल गाजर का हलवा आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा गाजर के हलवे को लोहे की कढ़ाई में बनाना है आपको, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयरन मिल जाएगा। सूरजना की फली हो गई आपके लिए, तो फिर नींबू है, इन सब का उपयोग आप रेगुलरली अपने घर में करिएगा, आप स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने बालों को स्वस्थ रखिए। सिर्फ इन सिंपल वेजिटेबल्स को रेगुलरली खाने से। और आपको जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकर आप उनका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।